हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आई वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग योर लव सपोर्टिंग योर सपोर्ट टू ऑल ऑफ माई वीडियोज और मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में कहूँ तो तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों के इतनी पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं और लगातार आपके इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतने आगे तक आज बढ़ पाई हूँ। फेसबुक पे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं, मतलब इतने ज़्यादा शेयर्स है कि देखते ही बनता है। लगातार आप लोग मेरे वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, इट्स अ रियली गुड थिंग। और YouTube चैनल आप मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, या फिर आप परी देश की जनता भी लिख सकते हैं और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो विश्लेषणपूर्ण जानकारी जो मैं आपको दे रही हूँ, एक पर्दाफाश तरीके की जानकारी जो मैं आपको दे रही हूँ, आप उसका फ़ायदा उठाइए और मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आज का टॉपिक आपको बता दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। किस तरह से चीन जो है रशिया को धमका रहा है, किस तरह से चीन जो है रशिया की खिंचाई कर रहा है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिलने वाला है और किस लिए मिलने वाला है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसकी विश्लेषणपूर्ण जानकारी मैंने जुटाई हुई है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो यूनान प्रांत है, और यूनान प्रांत में जहाँ पर एक शिकाऊ केव्स है यूनान प्रांत की, तो शिकाऊ केव्स में किस तरह से कोरोना वहाँ से निकला और किस तरह से कोरोना वहाँ वहीं से ही निकला, ऐसा जो है हमारे साइंटिस्ट को अंदाज़ा है और हमारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि कोरोना जो है शिकाऊ केव्स से ही निकला, उसके बारे में भी मैं आज आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कोरोना नाम की जो बीमारी है वो यूनान प्रांत के, चीन के यूनान प्रांत के शिकाऊ केव से निकला है। शिकाऊ का मतलब होता है प्रवृत्ति, शिकाऊ का मतलब होता है गति या तेजी, शिकाऊ का मतलब होता है चीन की मंदारिन लैंग्वेज में। तो शिकाऊ केव से जो बार बार वहां पर टेस्ट होते रहते हैं, और कहा जाता है कि शिकाऊ केव जो है वो चमगादड़ की एक कॉलोनी है, पूरी की पूरी चमगादड़ की कॉलोनी है, और यहाँ पर कई बार वैज्ञानिक जाके इन चमगादड़ों के साथ में रिसर्च करके आए हुए हैं, जहाँ तरह तरह के चमगादड़ वैज्ञानिकों को मिलते हैं। आपको पता है वैज्ञानिकों को जहाँ पर इस तरह का मेला लगा हुआ मिलता है, किसी भी तरह के जानवर का वैज्ञानिक उस पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं, जैसे हमारे देश में सांपों का टेस्टिंग करने के लिए आते हैं, बंदरों का टेस्टिंग करने के लिए आते हैं, वैसे शिकाऊ में चमगादड़ों की टेस्टिंग करने के लिए वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक गए तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जो शिकाऊ केव्स है वहाँ पर एक विचित्र तरह का वायरस उन लोगों ने पाया, और उस वायरस का नाम था WIV1 नाम का जो वायरस वहाँ पर मिला। और WIV1 नाम के जो वायरस मिलने के बाद उनको पता चला वैज्ञानिकों कि ये वायरस बड़ा खतरनाक वायरस है, और ये वायरस चूहों को भी हो सकता है, ये बंदरों को भी हो सकता है, और इंसानों को भी हो सकता है, मतलब इस तरह का वायरस किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। उसके बाद में स्टडीज आगे बढ़ी, जो शिकाऊ केव्स में काफ़ी स्टडीज चलती रही। उसके बाद में एक बहुत विचित्र चीज़ जो है वैज्ञानिकों के सामने देखने के लिए मिली, और इस बार जो जानकारी मिली वो जानकारी वैज्ञानिकों को बिल्कुल झकझोर के रख देने वाली थी कि कभी ना ख़त्म होने वाला वायरस वैज्ञानिकों को मिला, और उस वायरस का नाम था RATG13, और ये वायरस कभी ना ख़त्म होने वाला वायरस है जो वैज्ञानिकों को मिला। और फिर उसके बाद में वैज्ञानिकों का जो है चीन के शिकाऊ केव्स में जाना बंद हो गया, क्योंकि ये वायरस कभी ना ख़त्म होने वाला वायरस था। लेकिन ये इस वायरस की जांच हुए करीब करीब 7 साल बीत गए, और अब जब कोरोना वायरस निकला तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कोरोना वायरस के कोरोना वायरस का जो ये पर्टिकुलर वायरस है कोरोना फैलाने वाला COVID-19, इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स जो है, सिमिलैरिटीज़ जो है वो RATG13 वायरस से मिलते हैं। 96.6% जो क्वालिटीज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो वैज्ञानिकों ने इच्छा जताई कि वो फिर से वुहान शहर जाके फिर से चमगादड़ों के साथ में वो रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन चाइना ने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी, और कोई भी उसके बाद से वुहान शहर नहीं जा पाया, क्योंकि दूसरे देश के वैज्ञानिक वुहान शहर नहीं जा पाते थे और यूनान प्रांत में नहीं घुस पाते थे। तो फिर सारी की सारी उम्मीदें जो है WHO के साथ में जुड़ गई, लेकिन WHO जो है एक तरह से चाइना का फ्रेंड निकला, चाइना का एक कह सकते हैं क्या कहते हैं उसको, प्रशंसक निकला WHO। और आपको पता है कि WHO उन्हीं देशों के साथ होता है जो सबसे ज़्यादा फंडिंग WHO को देते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो WHO
की टीम जो सबसे पहले कोरोना की जांच करने के लिए फरवरी के दूसरे हफ्ते में, जब ये सारा सिस्टम जो चल रहा था, कोरोना का जो सारा नाटक चल रहा था पूरी दुनिया में नवंबर के बाद से, और दिसंबर में जो है ये पूरी तरह से आम हो गया और लोगों का दहशत का आलम फैलाने लगा और दहशतगर्दी का आलम सब तरफ फैल गया, तो उस समय फिर WHO पर किसी ने शिकायत की और वैज्ञानिकों ने रिक्वेस्ट की WHO से कि वो जाए वहाँ पर और पता लगाए कि ये वही वायरस है जो RATG13 वायरस इन्होंने 7 साल पहले खोज के निकाला था और अब चीन जो है किसी को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं देता है। खैर WHO की टीम गई फरवरी के दूसरे हफ्ते में, फरवरी 2020 की बात कर रहे हैं, उसके बाद में वो वहाँ पर रुकी जाकर, रुकने के बाद में टीम को जहाँ चीनी अधिकारी टीम के साथ थे और हर जगह चीनी अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट था, चीनी अधिकारी जो थे वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे घूमने फिरने के लिए और कहीं भी जाने के लिए, और चीन ने जो है उनको बहुत जल्दी बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस समय WHO ने ये कहा कि हमारी टीम एक अंतर्राष्ट्रीय दल के दौरे के लिए जमीन तैयार करने के लिए चीन में गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय दल के दौरे के लिए जो है जल्द से जल्द हमारी टीम जो है चीन जाएगी। इस तरह से WHO ने जो है चाइना के फेवर में ही बयान दिया, जबकि उस समय चाइना की जो सिटीजन्स थे, चाइनीज सिटीजन्स, वो खुद उनकी सरकार से परेशान थे, खुद हैरान थे कि सरकार जो है कोरोना का सीधा इलाज सीधे तौर पर नहीं कर रही है और कोरोना को जो है वहाँ की सिटीजन्स के हिसाब से चीन जो है सीरियसली, चीनी सरकार जो है कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं ले रही है, ऐसा जो है चीन के सिटीजन्स का उस समय जो नाराज़गी थी और चीन के सिटीजन्स की वहाँ पर रिएक्शंस थी। लेकिन फिर भी WHO ने चीन की तारीफ की, चीन के सहयोग की तारीफ की और WHO ने यह भी बताया कि चीन ने सहयोग किया, WHO ने यह भी बताया कि हमारी टीम जाएगी, हमारी टीम अंतर्राष्ट्रीय दल के दौरे की जमीन तैयार करने गई थी, बहुत जल्द एक अंतर्राष्ट्रीय टीम जो है वो चीन की यात्रा के लिए निकलेगी, और इस तरह से कुछ बयानबाजी जो है WHO ने की, जिसको देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्योंकि उससे पहले WHO के बहुत सारे सदस्यों ने जो टीम में थे उन्होंने ये बताया था कि चीनी हस्तक्षेप इतना ज़्यादा था कि हम लोग रिसर्च नहीं कर पाए, चीनी हस्तक्षेप इतना ज़्यादा था कि हम लोग वुहान में कहीं घूम ही नहीं पाए और हम लोग जो है एज इट इज़ हम लोग जो है वापस चीन आ गए। इस तरह से WHO के जो सदस्य थे उन्होंने चीनी अधिकारियों की बहुत निंदा की थी। उसके बाद कोई नहीं, ये सारा कारवा बीत जाता है, उसके बाद में फिर जो है जुलाई में 2020 दिस ईयर फिर से एक टीम जो है चीन के लिए रवाना होती है, लेकिन इस बार जो है वो वुहान शहर में 21 दिन तक टीम रहती है और वुहान शहर जाके रहती है 3 हफ्ते तक टीम और 3 अगस्त को वापस आ जाती है। लेकिन इस बार भी उनको जो है उस पर्टिकुलर केव्स में और वो जो RATG13 वायरस की उनको जांच नहीं करने दी और टीम जो है वो वापस आ गए और फिर उसके बाद में कहीं जाके 27 अगस्त को जो है चीनी रवैये के बारे में जो है WHO की टीम ने डिस्कस किया कि चीन ने बहुत सपोर्ट किया और हम लोग जो है फिर से हमारी एक टीम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दल के लिए एक ज़मीन तैयार करने गई थी और अंतर्राष्ट्रीय दल एक जांच करने के लिए जल्द से जल्द चीन जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वुहान में जांच करना या RATG जो एक ख़तरनाक जानलेवा वायरस है जिसकी वजह से अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा GDP जो है लगभग 6% के आसपास पूरी दुनिया में गिर गई है, जिसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर्स में तो ऑलमोस्ट लोग ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से न जाने 6-7 लाख के आसपास लोगों की जानें जा चुकी है, करीब करीब बताते हैं कि 8 लाख से ऊपर का फिगर सामने आएगा अभी जब पता चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब इतना खतरनाक वायरस है तो चीन को जांच करने देने में क्या दिक्कत है, मगर आपको पता है कि चीन का रवैया कैसा है, चीन जो है उसके रवैये और उसकी किसी भी तरह की बदनामी से वो इत्तेफाक नहीं रखता और चीन जो है वो
पूरी तरह से WHO को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है और WHO नाच भी रहा है, जिसको लेके WHO की बहुत ज़्यादा आलोचना पूरे विश्व में की जा रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फ्रांस हो, सब जगह पे WHO का जम के जो है आरोप लगाया जा रहा है WHO पे, कि कहीं ना कहीं WHO जो है चीन के साथ मिला हुआ है, या कहीं ना कहीं WHO जो है वो चीन को सपोर्ट करने में लगा हुआ है, जबकि दुनिया के हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि हर देश, लगभग छोटे से छोटा देश जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, वो भी चीन की चपेट में है। छोटे छोटे देश में लाखों की संख्या में मृत्यु दर है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ब्रुनेई हो, चाहे वो स्वीडन हो, और भी मैंने एक देश कहीं पर सुना था, छोटे छोटे देश जिनका आपने कहीं जिक्र नहीं सुना होगा, वो छोटे छोटे देश जो है कोरोना की चपेट में है आज, और छोटे छोटे देश जो है वो आज काफ़ी परेशान है, और ये सारी जो है चीन की कारस्तान है, और चीन जो है अपनी जगह पे बना हुआ है, और अपनी शान और शौकत के झंडे जो है चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, सबको धमकाने डराने में लगा हुआ है। तो ये देखिए, मतलब ऊपर चोर तो चोर, ऊपर से सवा शेर वाला बात है कि चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली बात जो है वो चीन करने में लगा हुआ है। खैर, ये तो बात हो गई यूनान प्रांत के जो इतने बड़े शिकाओ केव्स है वुहान शहर में, वो मैं आपको बताने की बात कर रही थी। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है वो ये है कि प्रणब मुखर्जी जी का जो है आज निधन हो गया है, हमारे राष्ट्रपति, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया है। उनको कोरोना भी था, बताया जा रहा है कि उनको कोरोना भी था, और तो और उनको उनकी सर्जरी भी हुई थी, इसी चलते वो पिछले एक महीने से ज़्यादा जो है वेंटिलेटर पे थे और उनकी मौत हो गई है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो वांग यी है चीनी विदेश मंत्री, उन्होंने बताया कि हमने कभी भारतीय सेना के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की, हमने कभी भी LSE की जो सहमति सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सहमति सीमा है, मतलब 2 किलोमीटर वहाँ से और 2 किलोमीटर हमारे यहाँ से, वो हमने कभी लांघने की कोशिश नहीं की। तो इसका मतलब कि हमारे देश के सोल्जर्स झूठ कह रहे हैं, हमारे यहाँ के मेजर्स झूठ कह रहे हैं, हमारे यहाँ के मेजर जनरल सारे सब सारे अधिकारी झूठ कह रहे हैं, और चीन अकेला सही कह रहा है, और हमें हमारे जो 20 सोल्जर मारे गए हैं 15 जून को, वो ऐसे ही मारे गए हैं। तो इस तरह से चीन का जो झूठा रवैया है वो फिर से सामने देखने को मिलता है। और आप देख रहे हैं कि GDP के आंकड़े आ गए हैं, और GDP के आंकड़ों में 96 के बाद में जब से GDP के आंकड़े आना शुरू हुए, तिमाही आंकड़े, उसे सबसे ज़्यादा बुरी हालत इस बार है, और GDP जो है हमारी वो 23.9% के आसपास गिर गई है, और इसको शेप में लाना बहुत 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 मुश्किल लग रहा है। तो सभी लोग चिंतित हैं, और एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बुरी अर्थव्यवस्था एक तौर पे हमारी बताई जा रही है, कि एशिया में जितनी अर्थव्यवस्था, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे ज़्यादा बुरी हालात में है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर्स ज़्यादा है, और इन सब के चलते हमारे यहाँ की GDP तो गिरी ही थी, और हमारे यहाँ उसके बाद में अनसिस्टमेटिक और एक तरह से हार्श लॉकडाउन के चलते हमारी GDP गिरने का एक कारण है। और निर्मला सीतारमण जी ने तो कह दिया कि भगवान के भरोसे चलती रहेगी, तो आप देखते रहिए भगवान क्या करता है हमारे मामले में। उसके बाद में मामला सामने आता है कि हमारे जो वीर सावरकर जी हाँ, जो अपने आप को वीर कहते थे, उन्होंने अपनी किताब में खुद ही अपने आप को वीर लिख दिया, उनकी बात की जाए, और जो हिंदुत्व के प्रचारक थे और हिंदुत्व के फादर जिनको कहा जाता है, फादर ऑफ हिंदुत्व, तो वो कहा जाता है, जो 10 सालों तक काला पानी की सजा काटते रहे और अंडमान की जेलों में सड़ते रहे, उसके बाद में हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया अपनी किताबों में कि गाय की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाय जो है एक उपयोगी जंतु है, उपयोगी जानवर है, तो उसका हमको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, हिंदुत्व के प्रेसिडेंट सोचिए, और कहते हैं कि गाय का हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, और गाय का उपयोग हमें सही तरीके से करना चाहिए, और गाय को देवता मानने में भी उनका आपत्ति है। अब आप देखिए, जो BJP के नेता जो उनको भारत रत्न देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि BJP जो है
डेफिनेटली आपको पता है कि हमेशा से गाय के गोबर और मलमूत्र जो भी है उसका उपयोग जो है पतंजलि भी अपनी दवाइयों में करता है, जो भी बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी के बहुत सारे नेता, साध्वी प्रज्ञा हो चाहे संबित पात्रा हो बीजेपी प्रवक्ता, सभी लोगों ने बड़ी तारीफ की है कि गाय के मूत्र मात्र से आपका जो है कैंसर दूर हो जाएगा, गाय के गोबर से जो है आपकी सारी बीमारियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, और गाय के जो भी गोबर को तो संबित पात्रा ने कोहिनूर कह दिया है। अब आप देखिए बीजेपी के एजेंडे में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि सड़कें बना देंगे और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, तो बीजेपी को लगता है कि कुछ भी ना हो रहा हो तो कोई बात नहीं, कम से कम वीर सावरकर जी को भारत रत्न दे के मैनिफेस्टो का एक सपना जो पब्लिक को दिखाया था, वो मैनिफेस्टो जो बनाया था हमने, कम से कम एक काम हम अपना पूरा कर दें, तो अपने जो बकेट लिस्ट में एक काम था वो बीजेपी कैसे ना कैसे करके पूरा करना चाहती है, खुश होना चाहती है अपने आप में, इसलिए शायद ऐसा कर रही है, क्योंकि वीर सावरकर जी वही थे जो एक नासिक के किसी कलेक्टर के असासिनेशन के केस में जिनको लंदन ले जाया जा रहा था और शिप में से भाग गए। सोचिए शिप में से भाग तो गए, लेकिन आपको पता है अंग्रेज सरकार का किस तरह से रवैया होता है, उन्होंने पकड़ लिया उनको दोबारा से और दोबारा उनको पकड़ के अंडमान के काला पानी की जेल में उनको डाल दिया, जहां से उन्होंने 10 साल वो उसमें रहे और उन्होंने कम से कम 6 सालों में 9 चिट्ठियां लिखी और 10 सालों में पता नहीं कितनी बार रिक्वेस्ट की मर्सी पेटिशन के लिए, लेकिन उनकी मर्सी पेटिशन जो है वो हर बार खारिज हो जाती थी। अच्छा, वो मर्सी पेटिशन में लिखते क्या थे? वो लिखते थे मर्सी पेटिशन में कि आई एम रेडी टू सर्व द गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी एंड इन एनी एस्पेक्ट, मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो जो अंग्रेज सरकार है उसके पिट्ठू बनने को तैयार है, अंग्रेज सरकार को हर कंडीशन में, हर कैपेसिटी में, हर क्षमता के हिसाब से वो अंग्रेज सरकार की मदद करेंगे और अंग्रेज सरकार को जो है उनकी बात माननी चाहिए, अंग्रेज सरकार के लिए वो बहुत ही फायदेमंद एक मोहरा साबित हो सकते हैं हमारे भारत देश की तरफ से। उन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं, उन्होंने हमेशा हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी, तो जो टू नेशंस का सपना था, जो टू थ्योरी ऑफ टू नेशंस थी जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए, वो तो जिन्होंने 1947 में कराया, इससे 10 साल पहले उन्होंने अपनी किताब में टू नेशंस की थ्योरी लिख दी, मतलब इतने पाखंडी विद्रोही और क्या कहते हैं उसको विभीषण टाइप के जो है इनके विचार थे और एक घर फोड़ने वाले विचार थे उनके, और इस तरह के इंसान को बीजेपी कैसे भारत रत्न दे सकती है ये बहुत बड़ा मैटर है। और मेरे ख्याल से इस तरह के लोगों से, इस तरह के जो वीर सावरकर टाइप के लोग हैं जिनके रविंद्र दास जिन्होंने उसकी किताब का प्रचार किया था, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी जीवनी में अपने आप को खुद वीर सावरकर लिख दिया था। अब देखिएगा वीर सावरकर की जीवनी, आपको पता चलेगा जो मैंने इसमें से मटेरियल निकाला है, तो वीर सावरकर की जीवनी में आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने आप को ही वीर लिख दिया है, उनको किसी और ने वीर नहीं कहा है। मतलब मैं भी अपने आप को वीर कह सकती हूँ, आप भी अपने आप को वीर कर सकते हो, उसी तरह से वेरी सिंपल फॉर्मेट में। और आरएसएस के बहुत बड़े जो है क्रिटिक थे, आरएसएस को एक यूजलेस संस्था बताते थे, बोलते थे आरएसएस यूजलेस है, और आरएसएस को यूजलेस बताने के साथ साथ उन्होंने कभी भी जो है देश हित के लिए काम नहीं किया, ना ही गरीबों के हित के लिए काम किया, उन्होंने हमेशा खुद के हित के लिए काम किया, तो एक सेल्फिश नेता के तौर पे उनकी इमेज है, और जो बीजेपी को शायद अच्छी तरह से पता होगा, आरएसएस वाले तो बहुत चिढ़ते हैं तो बीजेपी को शायद पता होगा, लेकिन फिर हिंदुत्व हिंदुत्व के नारे इतने ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि हमारे देश में कुछ भी नहीं चल रहा है, हिंदू मुसलमान चल रहा है, तो इस हिंदुत्व के चलते जो है बीजेपी ने उनको जो है भारत रत्न देने से अपनी महानता साबित करने का एक नया जो है कार्ड खेला है। तो खैर खेलने दीजिए बीजेपी के, बीजेपी को इसी में अगर फ़ायदा मिलता है तो बीजेपी इस तरह के कार्ड खेले, मगर ऐसे कार्ड खेल के कोई फ़ायदा नहीं है, बीजेपी को समझना चाहिए कि वीर सावरकर से कहीं ज़्यादा उमदा कैपेसिटी के, उमदा व्यवहार के, उमदा बलिदान के और उमदा देशभक्ति के जो उदाहरण है हमारे यहाँ पे मौजूद है, और भारत रत्न जो है ऐसे उमदा महापुरुषों को जाना चाहिए, ऐसे महापुरुष को नहीं जाना चाहिए जिसने अपनी इमेज बनाने के लिए या जिन्होंने अपनी पोजीशन बनाने के लिए हर सरकमटेंसेस में अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लिया और हर सरकमटेंसेस में अपने आप को जो है एडजस्ट कर लिया और अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। लीडर ऐसा नहीं होता है, लीडर किसी के सामने घुटने नहीं टेकता है, शायद चाहे वो किसी भी तरह का अत्याचार हो और किसी भी देश का अत्याचार हो। तो मेरे ख्याल से इस बारे में
थोड़ा विचार बीजेपी सरकार को करना चाहिए। इसके आगे की बात मैं अगले वीडियो में करूंगी, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।